और इसी बीच खबर भरतपुर से आ रही है, जहां भरतपुर जिले में आजकल के युवा जो हैं वो नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं और इसी तरह की वजह से वो अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शहर में नशे की लत को पूरा करने के लिए तीन चोर सूने मकान की रेकी करते थे। पुलिस ने तीनों चोरों को कई लाख रुपयों सहित आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि दोनों चोरी के मामले का खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि अचलबन थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में चोरों ने चूने मकान से कई लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए थे। दोनों ही घटनाओं में सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है, जिसमें तीन चोरों को उत्तर प्रदेश के आगरा से पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 6 लाख रुपए से अधिक की राशि और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। फिलहाल पकड़े गए तीनों चोरों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य मामले खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। भरतपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। और अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है और अन्य वारदातें इनके द्वारा जो की गई हैं, पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड चोरी और नकबजनी का है। विभिन्न मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके विरुद्ध दर्ज हैं। वर्तमान में इनसे और पूछताछ और अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया है सर इनको? तीनों ही मुलजिमों को आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। शहर में और शहर के आसपास हुई चोरी और नकबजनी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। लगातार जैसा आप सभी को विदित है कि सर्दी के समय में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सीओ सिटी SHO अटलबंद SHO सेवर DST और साइबर सेल इनकी संयुक्त टीम का गठन किया गया था। संयुक्त टीम की कार्रवाई में आज जो है इन तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है।